जी अब बताइए आप, अब आप क्या करना चाहते हैं भाई साहब जी, एक एक करके डिस्क्राइब जी कीजिए। जी 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 हाँ, इस स्लाइड पे आने से पहले मैं दो तीन बातें और साझा करना चाहूंगा हमारे दर्शकों के साथ। पहली चीज तो यह है कि जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों का जो मत था, तो इसके संबंध में मैं बहुत ही लॉजिकल बात बताना चाहूंगा जो सभी के बहुत आसानी से समझ में आएगी, जो सिद्ध करेगी कि हमारे ऋषि मुनि बिल्कुल पक्की तरीके से मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है। इसका मैं प्रमाण देने जा रहा हूं। और वो ये है कि अगर हम देखेंगे कि भाई जितने भी ग्रह हैं हमारे, उनका अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो प्राचीन लोग थे उन्होंने उसे दर्शाया है, तो हमें पता लगेगा कि जितने भी ग्रह हैं उनकी एक सवारी दर्शाई गई है। कि जैसे शनि है उनकी एक पर्टिकुलर सवारी है, जो राहु है उनकी एक पर्टिकुलर सवारी है, जो शुक्र ग्रह है वीनस है उनकी एक पर्टिकुलर सवारी दर्शाई गई है। तो सभी की एक सवारी दर्शाई गई है, तो सवारी यानी कि, और पृथ्वी की, भाई अगर पृथ्वी को अगर वो लोग ग्रह मानते तो वो उसे की भी एक सवारी दर्शाते, या अगर उन्हें पता होता कि जिस प्रकार से बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं गतिमान हैं, उस प्रकार से अगर पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, तो भाई पृथ्वी की भी वो एक व्हीकल व्हीकल सवारी दर्शाते। लेकिन पृथ्वी की कोई भी व्हीकल नहीं दर्शाया गया है हमारे प्राचीन उसमें, ना ही कोई व्हीकल बताया है, जिससे सिद्ध होता है, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये सभी चलायमान है जो ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी चलायमान नहीं है, इसीलिए उन्होंने पृथ्वी का कोई व्हीकल नहीं दिखाया है। बाकी शुक्र वगैरह जितने ग्रह हैं सबके व्हीकल दिखाए हैं। और इसका दूसरा प्रमाण ये है कि पृथ्वी का एक नाम अचला भी है, अचला। आप अगर गूगल पे सर्च करें अचला का क्या अर्थ होता है, तो आपको पता लगेगा पृथ्वी, तो अचला मतलब अचला, चला मतलब चलायमान, जो कि चल नहीं रही, नॉन मूविंग। तो पृथ्वी का एक नाम अचला भी है, उन्हें साफ साफ पता था कि पृथ्वी स्थिर है। तो ये दो चीजें तो मैं बहुत सबसे बहुत पहले, अच्छी हाँ बात बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत ही अच्छी बात बताई। मैं आपको इस बात को ब्रीफ करना चाहूंगा। हमारे शास्त्रों में, हमारे सभी प्रकार के प्राचीन शास्त्रों के अंदर प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई सवारी है ना। जैसे कि शनि ग्रह आते हैं तो शनि ग्रह के ऊपर भगवान शनि देव जो है वो उसके ऊपर बैठ के आते हैं, भैंसे के ऊपर बैठ के आते हैं। प्रत्येक ग्रह की कोई ना कोई सवारी है, वो जो घूमता है। जैसे सूर्य है तो सूर्य को जो सात घोड़ों का एक रथ बताया गया है, उस सात घोड़ों के रथ पर बैठ करके सूर्य जो है वो घूमता है, ठीक है। और तो इसलिए आपको बात को समझने की जरूरत है आपको, कि ये जो सवारी होती है, ये सवारी पृथ्वी की कोई सवारी नहीं है, पृथ्वी का कोई भी वाहन नहीं है। इससे ये साबित होता है कि हमारे जो ऋषि मुनि है वो पृथ्वी को घूमती हुई नहीं मानते थे। नंबर एक। नंबर दो बात जो बताइए, पृथ्वी को अचला कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पृथ्वी के आप पर्यायवाची शब्द आप देखेंगे तो उसमें से एक पर्यायवाची शब्द अचला भी है। अचला मतलब जो चलती नहीं है, जो घूमती नहीं है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बताइए नेक्स्ट। जी, तो इस पहले चित्र में हम देख सकते हैं कि वर्तमान का जो इनका मॉडल है, मॉडर्न फेक साइंस का, जो बताए कि कैसे जो बताते हैं मूवमेंट, तो इसमें ऐसे बताते हैं कि सूर्य केंद्र में है, बाकी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद सूर्य भी चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी के। तो मतलब पृथ्वी असल में एक तो अपनी धुरी पे घूम रही है, फिर वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, फिर पूरा सूर्य सूर्य मंडल जो है वो गैलेक्सी के ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो उसको दिखाने का प्रयास करा गया है इस चीज में, इस चित्र के अच्छा माध्यम से। हाँ, अच्छा अच्छा मतलब वो अच्छा तीन चार अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है पृथ्वी, तीन चार अलग डायरेक्शन में, बहुत ही मतलब साउंड की भी तेज रफ्तार से, और पता नहीं एक्सेलरेट हो रही है, हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी भयानक भयानक तीन चार प्रकार की गतियों में पृथ्वी घूम रही है। और उसके बावजूद हम देखते क्या है भाई, ये तो इनका बोलना है कि ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद हम देखते क्या है। हम ये देखते हैं कि आकाश मंडल में अगर हम नजर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जितने स्टार्स हैं, कॉन्स्टिलेशन हैं, वो हमेशा सेम ही रहते हैं, हर दिन हजारों सालों से वही नक्षत्र मंडल है सेम। जबकि अगर इस प्रकार से गति कर रही होती तो हर दिन एक नया नक्षत्र मंडल, हर दिन एक आकाश में नए ही नक्षत्र मंडल नजर आने चाहिए थे, क्योंकि इनके अनुसार जो सब कुछ पूरा स्टार्स अलग अलग है, क्योंकि हर हर दिन ही अलग लोकेशन पे होती तो वहां से कुछ नजारा अलग होता भाई आकाश मंडल में, लेकिन ऐसा कुछ होता तो है नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में वही आकाश मंडल है, और वो ही सेम आकाश मंडल सिर्फ घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है। बहुत बहुत ही प्यारी बात बताई है।
अगर पृथ्वी और सूर्य पूरा, अब चलो पृथ्वी और सूर्य की बात करते हैं, पृथ्वी और सूर्य दोनों मिलकर के घूम रहे हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, तो ब्रह्मांड में तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, फिर उसकी चेंज होगी तो उसके हिसाब से आपके जो नक्षत्र जो बिल्कुल नए नए अलग अलग तरीके के दिखेंगे, तो बात आपकी काफी उचित है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। जी हाँ, और इस चित्र के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई जो सूर्य है वो ऐसा वैक्यूम ऑफ स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, जहाँ पर वैक्यूम है चारों तरफ, और उसके वो बहुत बड़ा है, और उसके तरफ उसके चारों ओर ऐसे पृथ्वी घूम रही है, बाकी ग्रह घूम रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो हम पे कैमरा है, उस कैमरा से अगर हम नॉर्मल जूम करके देखेंगे, मतलब थोड़ा आपको अच्छा कैमरा लेना पड़ेगा, हाई जूम वाला कैमरा लेना पड़ेगा, उससे जब हम सूर्य को जूम करके देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि भाई उसके चारों तरफ हमें बादल नजर आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं सूर्य के पीछे भी बादल है, नीचे भी बादल है, हर तरफ बादल है, तो भैया वैक्यूम ऑफ स्पेस में बादल कहाँ से आए, तो इससे थोड़ा लोचा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि खाली एक ही ऐसा चित्र है कि भाई एक ही मैं स्पेशल ऐसा चित्र उठा के लाया हूँ, ऐसी बात नहीं है, आपको काफी सारे नजर आ जाएंगे चित्र इस प्रकार के। और अगर आपके पास कैमरा है तो आप खुद भी मतलब खींच सकते हैं इस प्रकार का चित्र, तो सूर्य के आसपास आपको बादल नजर आ रहे हैं, तो मतलब ये कैसे, मतलब पीछे भी बादल हैं भाई, आगे सिर्फ आगे बादल होते तो हम बोलते पीछे भी बादल हैं, तो ये समझ में लोचा आ रहा है कि भाई वैक्यूम में कहाँ से है भैया, जब चारों तरफ बादल नजर आ रहे हैं, तो उससे कुछ लोचा नजर आता है कि ये जो दूरी बताते हैं सूर्य की कि 93 मिलियन माइल सूर्य दूर है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोचा नजर आता है कि इतना दूर सूर्य नहीं है, क्योंकि उसके हर तरफ आसपास बादल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो चाणक्य जी का ये कहना है कि जो बादल है वो सूर्य के आगे तो हो सकते हैं लेकिन सूर्य के पीछे नहीं हो सकते हैं, और इस चित्र को देखें या किसी और चित्र को देखें तो ऐसा लगता है कि भैया सूर्य के पीछे भी बादल है या जी 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 हाँ। और एक और मतलब इनका जैसे एक झूठी बात जो पता लगती है हमें, जैसे ये लोग ऐसा बोलते हैं कि भी हीलियोसेंट्रिक मॉडल के अनुसार, यानी कि सूर्य केंद्रित मॉडल के अनुसार क्या है कि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब सूर्य है 93 मिलियन माइल्स अवे, यानी कि सूर्य हमसे इतना दूर है कि उससे जो किरणें आ रही हैं वो पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, जिस प्रकार से ऊपर वाले चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि सूर्य की किरणें आती हैं सब पैरेलल, लेकिन हम रियलिटी में क्या ऑब्जर्व करते हैं, रियलिटी में हम कभी देखते हैं कि जैसे बादल है, बादल के ऊपर सूर्य है, और उसमें से जब किरणें निकल रही होती है बादल में से, तो वो डायवर्जेंट निकल रही होती है, वो डायवर्ज कर रही होती है, तो वो डायवर्जेंट होती हैं। ये देखिए किस प्रकार से, आप देखिए ये आपको जो बताया जाता है कि सूर्य जो है वो दूर है, तो ये पैरेलल रेज आ रही है, लेकिन वास्तव में जो लोकल जो लाइट्स आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है वो पास से आ रही है ना, तो ये वाली बातें हम दिखाना चाह रहे हैं। ये तिवारी साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। ये आपका देखिए फिर आपको दिखा रहे किस प्रकार से ये जो सन ऊपर से जो आ रही है वो पैरेलल होनी चाहिए और नीचे से आपको डायवर्जेंट हो रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ये आपके सामने एक कई सारी इमेज जो चाणक्य जी ने आपको दिखा दी है, और बड़ी ही मेहनत करी है इस चाणक्य जी ने, हम इसको इस काम के लिए इनकी तारीफ करते हैं, इस काम के लिए इनको हम नमन करते हैं जी। बताइए ये क्या इमेज से बता रहे हैं जी। जी हाँ, तो इस इमेज के माध्यम से मतलब हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जब हम लोगों को सच्चाई बताते हैं, मतलब उन्हें जैसे कोई झील की तस्वीर दिखाएंगे कि जिसमें झील बिल्कुल सपाट दिख रही है, तो उसे लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ लेते हैं, लेकिन वही लोग ये स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर समुद्र उल्टे चिपके हुए हैं, शिप्स उल्टे ऐसे चल रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन जब हम एक प्राकृतिक चीज एक दिखा रहे हैं कि भाई समुद्र बिल्कुल सपाट हमें दिख रहे हैं, वो झील की कोई तस्वीर हम दिखा रहे हैं, या हम दिखा रहे हैं कि सूर्य की किरणें किस प्रकार से बादलों में से डायवर्जेंट निकल रही हैं, जो नॉर्मल मतलब कोई फोटोशॉप नहीं, कोई एक हम रियल फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, क्योंकि एक चीज होती है कि हमने कंप्यूटर पे एक इमेज जनरेट करी है, दूसरी चीज भाई कैमरा से सीधी फोटो ले ली वो दिखा दी, तो जब हम सीधी कैमरा से फोटो लेके दिखा रहे हैं उसे लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं, और जो बिल्कुल ही ऐसी सोचने को दिमाग घुमा दे कि ऐसा कैसे हो रहा होगा, गेंद के ऊपर पानी उल्टा चिपका है और नीचे समुद्र ऐसे लटका है, और ये उसे लोग नॉर्मल समझते हैं, तो ये इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास। जब इनके पास इतने पावरफुल कैमरा है तो एक ही बार में पृथ्वी की फोटो दिखा दे, ऊपर से एक नाव में कुछ लोग जा रहे हैं, नीचे से कुछ दूसरी नाव में जा रहे हैं, तो पता लग जाएगा लोगों को, एक बड़ी सी प्यारी सी फोटो ले सकते हैं इनके पास, तो अरे यार मंगल ग्रह की फोटो ले सकते हैं, कितना दूर है मंगल ग्रह,
तो तुम यहाँ से, तुम्हारे पास इतने पावरफुल कैमरा है तो तुम कैमरा से यहाँ फोटो लेकर दिखाओ, बड़ी ही प्यारी बात है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे इनका जो झूठ है जी, ये क्या है? जी हाँ, ये इसी में मतलब दिखाने का प्रयास किया गया है कि ग्लोब पृथ्वी पर, यानी कि जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत है, उसके ऊपर जब सनसेट कैसे होता है, उसके ऊपर सूर्यास्त कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि आप खड़े हुए हो, जैसे दिखाने का प्रयास किया गया है, व्यक्ति खड़ा हुआ है और पृथ्वी ऐसे घूम गई, और तो मतलब हम पीछे ऐसे गए और सूर्य जैसे हमारे सामने है, हम गेंद के ऊपर ऐसे पीछे घूम गए तो हमारा सूर्यास्त हो गया। तो इस पर ये लोग मतलब जो सेंट्रिक बनाने वाले हैं वो भी काफी, शायद मुझे लगता है सामान्य जनता के ऊपर हंसते होंगे कि हम कुछ भी फेंक रहे हैं और ये लोग लपेट भी रहे हैं, तो ये इसके माध्यम से दिया जा रहा है। मतलब ये आपका थोड़ा सा इसमें बताइए, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं इसमें आप? जी, हाँ, मतलब हमें मतलब जो विश्वास करना चाहिए, वो जैसे फोटोग्राफ कोई हमें दिखाता है तो हाँ मान के चले जो हमें फोटोग्राफ दिखा रहा है, हमें ये देखना है कि क्या वो रियल फोटोग्राफ है या वो एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। तब हमें वो चीज, वो एक गेम समझना पड़ेगा कि भाई एक रियल फोटोग्राफ मतलब एक DSLR कैमरा से या आपके फोन के कैमरा से ली गया एक चित्र, उसे हमें एक स्वीकार करना चाहिए कि वो एक रियलिटी मान सकते हैं। लेकिन कोई अगर कंप्यूटर जनरेटेड एक दिखा रहा है, कंप्यूटर में बनाया गया इमेज दिखा रहा है, तो हमें प्रश्न करना पड़ेगा, भाई इसका कोई संबंध नहीं है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी प्रकार का एक इमेज जनरेट किया जा सकता है कंप्यूटर के अंदर। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको सबसे बड़ी बात, सभी दर्शक लोग और जितने भी भाई लोग हमारे हैं, दर्शक तो क्या हमारे अपने परिवार के लोग हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं, ये बात समझ ले अच्छी तरह से। प्रश्न करना सीखें, लोगों से प्रश्न करें, प्रशासन से प्रश्न करें, वैज्ञानिकों से प्रश्न करें और खुद से प्रश्न करें, खुद से चर्चा करें। किसी को गाली न दे, अरे तू ऐसा बोल रहा है, तू ऐसा बोल रहा है, पागल है वो। प्रश्न करें और प्रश्नों का उत्तर खुद ढूंढे, रिसर्च करें, तो आपको कई सारी नई नई जानकारी मिलेगी। यहाँ पर दो इमेज दिखा रखी, ऊपर की जो इमेज है वो इमेज है, कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ है। एक फोटोग्राफ को एडिट करके या बगैर एडिट करके कंप्यूटर से इमेज बनाई जाती है, उसको इमेज कहा जा जाता है। और एक होता है फोटोग्राफ जो रियल कैमरा से क्लिक की जाती है। आपके सामने दो है, एक ऊपर वाली इमेज है, फोटोग्राफ नहीं है, नीचे वाला फोटोग्राफ है, इमेज नहीं है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से तो किसी प्रकार की कोई भी चीजों को हम बना सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। ये आपने एक बड़ी सी लाइट, बड़ी प्यारी सी पिक्चर भेजी है, ये क्या पिक्चर क्या है? जी, इस पिक्चर के माध्यम से मतलब ये दिखाने का प्रयास किया गया है, जैसे ऊपर वाला अगर हम फोटोग्राफ देखेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, हम सभी जानते हैं कि भी सभी स्ट्रीट लाइट्स की हाइट सेम है, उनकी ऊंचाई सेम है, जिस ऊंचाई पर बल्ब लगे हुए हैं वो सभी सेम है, सभी स्ट्रीट लाइट की हाइट सेम है। जब हम सड़क पर खड़े होकर इन्हें देखते हैं सामने की तरफ लंबा, तो हम ये देखते हैं कि भाई जो जैसी स्ट्रीट लाइट दूर जा रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट लाइट की हाइट कम होती जा रही है और एक समय बाद वो बिल्कुल जमीन में चली गई है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, हमारी आंखों को ऐसा लगता है। जबकि रियलिटी में हम सभी जानते हैं कि सभी स्ट्रीट लाइट की हाइट सेम है, तो इससे ये पता लगता है कि हमारी आंखें किस प्रकार से देखती हैं। तो इसी प्रकार से जो सूर्यास्त होता है, उसमें असल में होता क्या है कि सूर्य सिर्फ हमसे दूर जा रहा होता है, ना कि नीचे जा रहा होता है, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि सूर्य नीचे जा रहा है, नीचे छुप रहा है, जो कि हकीकत नहीं है। जैसा हम ये ऊपर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से देख सकते हैं, जो चित्र दिखाया गया है, जैसे कोई वस्तु दूर जा रही होती है, वो आंखों की इस प्रकार की देखने की प्रक्रिया है, इस प्रकार से आंखें देखती हैं कि वो ऐसा लगता है कि नीचे जा रही है, जैसा कि इस ऊपर स्ट्रीट लाइट वाले फोटो में दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत बढ़िया है, आपने जिस प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से इस फोटो को देखने से पता चलता है कि जो खंभों की, जो ये खंभे हैं, जो बिजली के खंभे, उनकी हाइट धीरे 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 कम होती जा रही है। वास्तव में हाइट कम नहीं हो रही, हाइट तो सबकी बराबर है। ये हमारी आंखों की कैपेसिटी, हमारी आंखें कन्वर्ज होती है, हमारी आंखें, आवर आईज आर नॉट पैरेलल, हमारी आंखें जो पैरेलल नहीं देखती है, वो कन्वर्ज करके देखती है, किसी पॉइंट पे फोकस करके देखती है। जितना दूर जाएंगे वो पॉइंट धीरे धीरे फोकस होता हुआ कम हो जाता है, वो दूरी की वजह से ऐसा आभास हो रहा है। तो ये अब बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज आप लोगों को मिली है, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा बड़ी ही महत्वपूर्ण रही है, और आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें मिली होगी, मैं समझता हूँ। और जिस जिनको लगता है कि हम लोग कोई सार्थक बात कर रहे हैं, लोगों के साथ में अच्छी बातचीत हो रही है,
उनसे हम कहना चाहेंगे कि इस स्ट्रीम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।